गाइस अभी जो आर्टिकल को इंडेक्स करवाना है सिर्फ एक क्लिक का काम है, आपकी बाएं हाथ का खेल है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आपको इस चीज के बारे में पता नहीं है, क्योंकि आज से 2.5 महीने पहले गूगल का एक एक टूल्स था जो कि रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग टूल्स था, उसको बंद कर दी थी। और उसके बाद से जो है बाय डिफॉल्ट जिन लोगों की कंटेंट अच्छा रहती है, आर्टिकल अच्छा रहती है, उन्हीं लोगों की जो है इंडेक्स हो रहा था। बहुत सारे लोगों की जो है 10 दिन 15 दिन के बाद भी जो है इंडेक्स हो रहा था। तो ये इशू जो चल रहा था इसके चलते इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिमांड आने के बाद गूगल ने रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग टूल को वापस कर दिया है। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख लीजिए, गूगल सर्च कंसोल द्वारा एक ट्वीट किया गया था आज से 2-3 दिन पहले 22 दिसंबर को, और वहाँ पर बताया गया कि वी आर ग्लैड टू अनाउंस दैट वी आर बैक विथ रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग टूल्स फॉर इस न्यू ईयर। इस न्यू ईयर मौके पर उन्होंने एक तोहफा दे दिया है इन सारे ब्लॉगर्स को, जो बिल्कुल बिगनर है उनको तो सबसे बढ़िया तोहफा मिल गया है, और जिन लोगों का भी बहुत देरी से आर्टिकल इंडेक्स होता था फिर भी घूम फिर के होता था, उन लोगों को भी बहुत हेल्प हो जाएगा इस टूल की मदद से। अब मैं इसके ऊपर वीडियो उसी दिन बना देता क्योंकि मैंने उसी दिन इस चीज को देखा था, उसी दिन के बाद मैंने खुद जो है इसको अप्लाई करने की कोशिश करा था, बट यहाँ पे इशू देख रहे इशू जो है चल रहा था, अभी भी चल रहा था। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से इशू आ रहा था कि ये जो टूल से अभी डिसेबल है। ठीक है, तो गाइस इसी के चलते मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं प्रूफ के साथ वीडियो बनाना चाहता हूं। ठीक है, आज मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं कि कैसे, अगर आप बिल्कुल बिगिनर तो आपको पता नहीं है कैसे आप जो रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर सकते हो, या फिर जिन लोगों के जिन लोगों ने सुना होगा वो भी यहां पे लाइव प्रूफ देख लीजिए कि कैसे जो है रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग टूल फिर से काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने गूगल सर्च कंसोल को खोल के रखा हुआ, और यहाँ पे हम सीधे यहाँ से चलेंगे लेफ्ट साइड में, यहाँ पे जो यूआरएल इंस्पेक्शन है इस टैब के ऊपर हम सीधे चलेंगे यहाँ से। और यहाँ पे मैंने एक मेरा बिना इंडेक्स किया हुआ लिंक को मैंने यहाँ पे ट्राई कर रहा था, यहाँ पे पेस्ट करके रखा था, तो ये रहा लिंक, और लिंक के ऊपर मैं करता हूँ क्लिक, और यहाँ पे देख सकते हो कि रिट्राइविंग डाटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, बट पहले क्या होता था, यहाँ पे देख सकते हो कि यूआरएल इंस्पेक्शन हमको रिपोर्ट दिखा रही है कि यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल। ठीक है, बट इससे पहले क्या होता था कुछ दिन पहले तक कि 2-3 दिन पहले ये अपडेट आया है, मैंने आपको बता दिया हूँ, बट उससे पहले आप लोगों को ये चीज़ें दिखाया जाता था। यहाँ पे देख सकते हो कि आपको ये चीज़ें दिखाया जाता था, यहाँ पे शो होता था पेज एक्शन टेम्पररी डिसेबल, कि गूगल की तरफ से इसको डिसेबल किया गया था, फिर से इसको इनेबल कर दिया। चलिए हम लोग इस यूआरएल को इंडेक्स के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलता है रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के ऊपर, मैं यहाँ पे करता हूँ क्लिक, और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, यहाँ पे लिखा है दिस माइट टेक ए मिनट और टू, या फिर 2 मिनट तक के टाइम ले सकते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे इंतजार कर लेते हैं। फाइनली देख सकते हो कि जैसे कि आप लोगों को देखा है सबमिटेड यूआरएल लास्ट में, और उसके बाद यहाँ पे शो रही इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड। ठीक है, कि हम लोग जितने सारे आर्टिकल पर्टिकुलर एक आर्टिकल को हम यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज दिया है गूगल को कि भाई आप मेरे इस आर्टिकल को इंडेक्स कर लीजिए, गूगल पे प्लेस करवा दीजिए और रैंकिंग फैक्टर में जोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे गूगल का हमने रिक्वेस्ट सेंड कर दिया है और यहाँ पे हमको शो भी कर रहा है, और यहाँ पे हम गॉट इट के ऊपर करेंगे क्लिक, और इसको एक नया टैब में अभी खोल के देखेंगे कि ये जो है चीज़ें इंडेक्स हुआ है या फिर नहीं। चलिए यहाँ पे एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। चलिए फिर से दोबारा से मरता हूँ मैं उसी लिंक को, यहाँ पे फिर से दोबारा से चेक करके देखता हूँ कि ये कितना जल्दी जो है इंडेक्स करवा लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक जो है कुछ रिजल्ट शो नहीं हो रही है, सेम रिजल्ट हो रही है। तो भाई इससे आपको पता चलता है कि आप जो है नया आर्टिकल को बहुत ही जल्द, यहाँ पे काफ़ी कुछ टाइम तो लग जाता है क्योंकि मशीन को आपने सबमिट किए हो, अब मशीन आपकी पर्टिकुलर आर्टिकल को पढ़ेगा, अगर उसको लगेगा कि हाँ यार ये जो है आर्टिकल इंडेक्सिंग करने की लायक है, इंडेक्स करने की लायक है, तभी करेगा ना। अगर आप कुछ भी लिख के यहाँ पे रिक्वेस्ट डाल दोगे तो आपको ये रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो इस चीज़ को, इस टूल को आप अच्छी तरीके से यूज़ कीजिए, सही तरीके से यूटिलाइज़ कीजिए, कुछ भी उल्टा सीधा चीज़ बना के आप यहाँ पे रिक्वेस्ट मत डालिए, शायद हो सकता है कि आप बार बार रिक्वेस्ट करने से आपके लिए ये टूल क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस आई होप कि मेरे इस छोटे से वीडियो की मदद से आपको बहुत कुछ हेल्प हो चुका है, कुछ भी हेल्प हुआ है, कुछ भी सीख मिला तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कुछ भी जानना चाहते हो ब्लॉगिंग के बारे में, मेरे को जितना पता है मैं आप लोगों के साथ जरूर से शेयर करने वाला हूँ। चलिए बहुत खुश रहिए, दूसरों को ढेर सारे खुशियां बांटते रहिए, मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बहुत ही खुश रहिए, और जैसे कि मैंने बताया हूं कि दूसरों को खुशियां बांटते रहिए, खुद की खुशी और भी बढ़ जाती है। बाय।